हे गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ रिव्यूज शेयर करूंगा पीनट बटर के बारे में। ये पीनट बटर होता क्या है? पीनट्स मतलब बादाम। रोस्टेड बादाम को अगर ग्राइंड करें तो एक ऑयल निकलता है और वो एक पेस्ट के फॉर्म में आ जाता है, उसको कहते हैं पीनट बटर। ये पीनट से ही पीनट बटर बनता है, इसलिए दोनों का न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम होता है। आप रोस्टेड बादाम भी खा सकते हैं उसका डेली सर्विंग्स के हिसाब से। पीनट बटर बहुत ही टेस्टी होता है, ये आप ब्राउन ब्रेड पे मिलाकर खा सकते हैं, कोई भी स्मूदी, कोई भी रेसिपी पे ऐड कर सकते हैं, स्नैक्स पे भी ले सकते हैं। इसका सर्विंग्स है 2 टेबल स्पून मतलब 32 ग्राम। और इसका बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ इसका बेनिफिट्स क्या क्या है और ये दिखने में कैसा होता है। पीनट बटर के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल मीन्स LDL को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल मीन्स HDL को इनक्रीज करता है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। डाइट में हाई मोनो सैचुरेटेड फैट रहने से बेली फैट कम हो जाता है। इसमें है विटामिन ई और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर को प्रिवेंट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना अच्छा है कि इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। इसमें बनाना से भी ज़्यादा पोटेशियम होता है। हमारे बॉडी जब वर्कआउट करते समय मांसल में लैक्टिक एसिड जमा होता है, पोटेशियम उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और हमारे डाइट में ज़्यादा सोडियम होने से जो हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है उसका रिस्क भी कम करता है, यानी हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कोई भी हेल्थ रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये पीनट बटर। ये एक अच्छे एनर्जी बूस्टर भी है। इसमें जो मैग्नीशियम है वो मांसल्स और बोन्स का ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ लाने में हेल्प करता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पीनट बटर खाने से ये प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है एंड इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ गैलस्टोन्स। बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, इवन हमारी फैमिली मेम्बर्स जो नॉर्मल कम करते हैं, जिम नहीं जाते, वर्कआउट नहीं करते, सभी को पीनट बटर ज़रूर लेना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए पीनट बटर ठीक नहीं है, गलत सोचते हैं। पीनट बटर इज़ ए गुड सोर्स ऑफ फैट, गुड फैट सभी को लेना चाहिए। जो मसल बिल्ड कर रहे हैं और वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं उनके डाइट पर भी पीनट बटर ज़रूर ऐड करना चाहिए। पीनट बटर हैज़ ए ग्रेट एडवांटेज इन वेट कंट्रोल मैनेजमेंट। ये हंगर को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कंट्रोल करता है विदाउट इंक्रीज वेट। अब घर पे भी पीनट बटर बना सकते हैं। कैसे बनाएं? बाजार से कच्चे बादाम को ले आइए, उनको रोस्ट कीजिए। उन रोस्टेड बादाम को अब ग्राइंडर से ग्राइंड कीजिए। जब आधा ग्राइंड हो जाए तब 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिला दीजिए और उसमें 1 चम्मच हनी भी मिला सकते हैं टेस्ट के लिए। और उसको ग्राइंड कीजिए तब तक जब तक वो एक पेस्ट के फॉर्म में ना आ जाए। और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये कम्प्लीटली नेचुरल होगा, कोई मिलावट नहीं होगा। मार्केट में बहुत सारे पीनट बटर की ब्रांड मिलता है, लोगों को ये नहीं पता कौन सा ब्रांड अच्छा है और कौन सा ब्रांड अपनी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। एज ए एग्जाम्पल, फन फूड्स, सन ड्रॉप, इसका इन्ग्रेडियंट लिस्ट चेक करिए। चलिए मैं दिखाता हूँ इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ सनड्रॉप और फनफूड्स ब्रांड का पीनट बटर की जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है लगभग सेम है दोनों का। सनड्रॉप में देखिए 100 ग्राम में प्रोटीन 26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 19 ग्राम, शुगर 8 ग्राम। इसमें शुगर नहीं रहना चाहिए था और यहाँ बहुत ज़्यादा शुगर है। फाइबर है 5 ग्राम, फैट 51 ग्राम और फाइनली सोडियम है 256 मिलीग्राम। सोडियम बहुत ज़्यादा है, ये भी रहना नहीं चाहिए था। शुगर और सोडियम बहुत ज़्यादा है इसलिए ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बाकी सब एप्रोक्स ठीक ही है। अब इसका इंग्रेडिएंट्स में देखिए, लिखा है रोस्टेड पीनट्स, शुगर, हनी, स्टेबिलाइजर, मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स, एडिबल मोलासेस, आयोडाइज्ड सॉल्ट। एक बात जान लीजिए, पीनट बटर में ओनली रोस्टेड पीनट्स होना चाहिए और कुछ नहीं। इसको कहते हैं नेचुरल पीनट बटर। सनड्रॉप पीनट बटर में जो मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स है, ये क्या होता है? ये नेचुरल नहीं है, ये बनाए जाते ग्लिसरॉल से। इसका सोर्स क्या है?
ये प्लांट बेस्ड भी हो सकता है, एनिमल बेस्ड भी हो सकता है। अगर प्लांट बेस्ड हो तो कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, कैनोला ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, और अगर एनिमल बेस्ड हो तो काउ मैस से आ सकता है। सो ये अवॉइड करें। अब देखिए फन फूड्स ब्रांड का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पे भी लिखा है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, सॉल्ट शुगर भी एडेड है। सो ये सब ब्रांड को आप अवॉइड करें। ये सब लेने से अच्छा है आप रोस्टेड पीनट्स खाइए, सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अभी आप पिंटोला ब्रांड का नेचुरल पीनट बटर का न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए। इसमें पर 100 ग्राम में प्रोटीन है 27 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम, शुगर 4 ग्राम, बहुत कम है शुगर, फाइबर 8 ग्राम, फैट 52 ग्राम और सोडियम बिल्कुल नहीं है। कोई हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी इसमें नहीं है। सनड्रॉप और फनफूड से अगर पिंटोला ब्रांड का पीनट बटर को कंपेयर करें तो पिंटोला नेचुरल पीनट बटर का न्यूट्रिशनल वैल्यू एक तो बेटर है और दूसरे कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, हेल्थ के लिए एकदम सेफ है और हेल्दी है। अगर आप बाजार से पीनट बटर लेना ही चाहते तो पिंटोला ब्रांड का नेचुरल पीनट बटर लीजिए। देखिए मेरे पास है पिंटोला ब्रांड का नेचुरल पीनट बटर और इसका इंग्रेडिएंट्स में है रोस्टेड पीनट्स, ओनली रोस्टेड पीनट्स ही है, कोई मिलावट नहीं है, ये एकदम नेचुरल है। और इसमें लिखा हुआ है नो हाइड्रोजनेटेड ऑयल, नो एडेड शुगर, नो सॉल्ट, नो प्रिजर्वेटिव, नो ट्रांस फैट, नो कोलेस्ट्रॉल। और ये 1 kg वैल्यू पैक का है, ओनली 399 रुपीज़ का, बहुत ही चीप प्राइस है और मैंने लिया क्रंची, बहुत ही टेस्टी है। और गाइज मैं तो सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, देखिए आप कौन सा ब्रांड ले सकते हैं। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं मगर वो कम्प्लीटली नेचुरल होना चाहिए। चलिए गाइज थैंक यू, मैं हूँ शुभदीप। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।